नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका clips.in में। स्वास्थ्य विभाग सुविधाएं बढ़ाने के तमाम दावे करता आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी बार बार अफसरों की बैठक लेकर स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। रायगढ़ के गौर्रा का उप स्वास्थ्य केंद्र महीनों से बंद पड़ा है। यहाँ एक ओर कोरोना का आतंक फैला है, दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र महीनों से बंद पड़ा है। ये हाल है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल रहे हैं हमारे ब्यूरो हर्ष अग्रवाल। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण बताया जा रहा है। जहां इसके बचाव के लिए कई उपाय और केंद्र खोले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी बचाव के लिए जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने का उपाय बता रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम गोर्रा में स्वास्थ्य विभाग अपने कर्तव्यों से दूर भागकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। करीब महीनों हो गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर के ग्राम गोर्रा उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स की सेवानिवृत्त हुए, लेकिन रायगढ़ के स्वास्थ्य विभाग न ही नर्स की पोस्टिंग कर रहा है और न ही किसी को प्रभार दे रहे हैं, जिससे गोर्रा क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस स्वास्थ्य केंद्र में आरएचओ कर्मचारी का पोस्टिंग है, लेकिन वह भी यहाँ नहीं रहता। रायगढ़ जिला के जनपद पंचायत पुसौर के ग्राम पंचायत गोर्रा में करीब 4-5 महीना हो गया है वहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, क्योंकि वहाँ का जो नर्स थी उसका सेवानिवृत्त हो चुका और आरएचओ जो है, जो कंपाउंडर बोला जाता है, वो रायगढ़ से जाता है। तो इस तरह से वहाँ करीब 4-5 महीने से स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। वहाँ कई डिलीवरी भी हो चुके हैं जिसमें कि महिलाओं को परेशानी हुआ है डिलीवरी में, और आनंद फानन में रायगढ़ मैंने लाया गया है। कई बार मैं ही 112 को 108 को फ़ोन किया करके बुलाया हूँ मैं, और इस तरह से मैं बीएमओ को 10 बार जानकारी दे चुका हूँ पुसौर बीएमओ को, लेकिन उनके द्वारा ये बोला जाता है कि मैं कई बार जिला जो अधिकारी हैं सीएमएचओ उसको भी जानकारी दे चुका हूँ करके, लेकिन अभी तक वहाँ नर्स पदस्थ नहीं हुआ है। जब इस विषय में हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी होने के कारण काफी जगह ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इस बाबत उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है और सीएसआर से भी मांग की है, जल्द ही स्टाफ की कमी को पूरी कर ली जाएगी और कुछ पदों के लिए वैकेंसी भी निकाली गई है। ये गोर्रा पुसौर ब्लॉक में आता है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ एक मेल फीमेल की पोस्टिंग होती है, जिसमें से फीमेल वो कार्यकर्ता की जो है नवंबर में 2019 में रिटायर हो चुकी है। मेल वर्कर है, वहाँ पे रहता है, बाकी सेवाएँ दे रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है। डिलीवरी के लिए चूँकि फीमेल वर्कर नहीं है तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाते हैं लोग, और हम वहाँ की चूँकि पूरे ज़िले मेरे यहाँ करीब 79 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कमी है, उसके लिए मैंने डीएमएफ से भी मांगा है, और अभी तत्काल रूप से एनएचएम में खाली करीब 15 NM के लिए हम पोस्टिंग कर रहे हैं और डीएमएफ से भी परमिशन हो गई है। तो इसके इस एडमिशन के बाद हम डीएमएफ से भर्ती करके वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, और वहाँ पे भी जो माताओं से संबंधित इलाज है वो फिर चालू हो जाएगा वहाँ पे। रायगढ़ से हर्ष अग्रवाल, clips.in। For more information, log on to www.clips.in।